फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, भैया जो फिल्म है फाइनली आउट हो चुका है, तो आप कितने एक्साइटेड हैं अपनी मूवी को लेकर? और विशाल भारद्वाज जी जैसे कि उसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया है, तो कितने एक्साइटेड हैं? मैं बहुत खुश हूँ. आई ऑलवेज हैव लाइक्ड विशाल भारद्वाज की फिल्में, और तब्बू जी से मुझे बहुत प्यार रहा है हमेशा. तो मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि तब्बू जी के साथ काम करने का मौका मिलेगा. और फिर अली फजल भी हैं, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही ऐसे सपने की तरह है कि मैं विशाल भारद्वाज और तब्बू जी के साथ साथ में काम कर रही हूँ. और बहुत एक्साइटेड हूँ, आज फिल्म रिलीज़ हो गई है. मेरे माँ बाप आए थे फिल्म देखने और उनको बहुत पसंद आई है. मेरे डैड तो थोड़े से रो भी पड़े, उन्होंने विशाल सर को भी गले लगा कर थैंक यू किया. बहुत अच्छा लगता है जब पेरेंट्स को काम अच्छा लगता है, एंड आई होप कि सबको खुफिया पसंद आए. तो अभी तो फिलहाल बहुत जन ने मूवी देख लिया होगा, फिर भी हम आप इसमें आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कुछ आपको नया दिखा इस खुफिया में? ये आज तक का सबसे डिफ़िकल्ट कैरेक्टर है जो मैंने प्ले किया है, और बहुत लंबी और कठिन जर्नी है इस कैरेक्टर की, जिसका नाम है चारूलता चारू. और उसकी ज़िंदगी जहाँ से शुरू होती है एज अ हैप्पी हाउसवाइफ टू, वो कहाँ उसकी पूरी ज़िंदगी दुनिया उजड़ जाती है, और वो कैसे अपनी दुनिया के छोटे से अंश को बचाने की कोशिश करती है. तो ये कहानी एक्चुअली सच, मुझे मैं आपको सच बताऊं तो जब मैंने पढ़ी थी तो ऐसा कुछ नहीं लगा था, लेकिन अब फिल्म देख रही हूँ तो ऐसे लग रहा है कि ये तीन माओं की कहानी है, सब अलग अलग स्टेजेस पे. यंगेस्ट माँ मैं हूँ, फिर तब्बू जी, और फिर माँ जी जिन्होंने प्ले किया है. अब देखकर अलग ही लेयर दिख रही है फिल्म में. जी, तो लोगों की तरफ से आपको क्या रिस्पांस आया फर्स्ट डे का? बहुत अच्छा. तब्बू जी जिस फिल्म में हो उसमें अप्रिसिएशन मिलनी खुद को, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी. मुझे लगा था कि मुझे कोई देखेगा भी नहीं, मैं ही नहीं खुद को देखती थी. जब मैं तब्बू जी के साथ कोई सीन होता मैं तब्बू जी को देख रही होती थी. तो आई एम सो ग्लैड दैट लोग मेरी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट कर रहे हैं, फिल्म को अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारी फिल्म में जो कुछ कुछ लेयर्स हैं उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं. तो कैसा फील होता है कि मतलब इतने सारे जो तब्बू जी बहुत फेमस बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, अली फजल जी काफ़ी योगदान दिए उन्होंने भी फिल्म में, ऐसे में जो आपके परफॉर्मेंस को लोग सराह रहे हैं, लोग आपका चर्चा हो रहा है बाहर, वामिका गंभीर वामिका, तो कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है. कभी तो सोचा ही नहीं था कि फिल्मों में ऐसे किरदार करने का मौका मिलेगा कि नहीं, और अब कर रही हूँ और लोग पसंद कर रहे हैं, वो भी उस फिल्म में जो विशाल भारद्वाज ने बनाई है, तब्बू जी हैं, अली फजल हैं. ऐसी फिल्म में लोगों का मेरे तरफ ध्यान जाना, मैं बहुत ही खुश हूँ. और देखा जा रहा है ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, बैक टू बैक इतने प्रोजेक्ट्स आना, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? लकी फील कर रही हूँ, ग्रेटफुल हूँ, बहुत ही यकीन सा नहीं हो रहा है कि ये हो रहा है मेरी ज़िंदगी में. मैंने अभी एक कोटेशन पढ़ी थी कुछ दिन पहले, मैंने पोस्ट भी की थी, वहाँ लिखा हुआ था कि कई बार 10 साल लग जाते हैं वो एक साल ज़िंदगी में आने के लिए जो आपकी ज़िंदगी बदल देता है. तो मुझे भी 10 साल से ज़्यादा लग गए हैं इस साल के आने के लिए जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी है. वो एक साल आ ही गया आपके लाइफ में जी. और आपके अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी है जो कि वरुण धवन के साथ थे, उनके डायरेक्टर एटली है, तो वो कैसा लगा आपको जब आपको इसका स्क्रिप्ट मिला और पता चला एटली डायरेक्टर है और फिर एटली प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर है, और फिर वरुण धवन इसमें कास्ट कर रहे हैं? मैं बहुत खुश थी. एटली सर अपनी पहली प्रोडक्शन के साथ आ रहे हैं विद मुराद खेतानी सर, और मुराद खेतानी भी वन ऑफ द बिगेस्ट कमर्शियल प्रोड्यूसर्स दैट वी हैव. तो मैं बहुत खुश थी कि मैंने तो बहुत ऐसी परफॉर्मेंस और नीश फिल्में की हैं, प्रोजेक्ट्स की हैं, तो इन लोगों का मेरे काम को इतना सहारना और मेरे पे इतना भरोसा दिखाना, मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ. और वरुण का मुझे वैसे भी बहुत काम पसंद आया था अक्टूबर में बदलापुर में, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनके साथ काम करने के लिए. तो जैसे कि मूवी में काम करना और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे काम करना बहुत अलग रहता है. मूवी में आप 2-2.5 घंटे में स्टोरी बताते हैं, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कई घंटों में तुम्हें पूरी स्टोरी बतानी पड़ती है, तो वो कितना चैलेंजिंग रहता है, कितना डिफरेंस है? सीरीज़ और फिल्म का फ़र्क होता है, लेकिन मेरे लिए इतना कोई फ़र्क नहीं था, क्योंकि मैं तो वैसे ही काम पर जाती हूँ, तैयार होती हूँ, कैमरा भी हम ऐसा नहीं कि ओटीटी है तो हम छोटा कैमरा यूज़ करते हैं, वैसे ही कैमरा सब वैसे ही होता है, बस प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है. तो हमारी शिद्दत हमारे काम के लिए बिल्कुल वैसी ही रहती है.
वो उस वक्त दिमाग में कुछ भी नहीं आता है थ्रू आउट द शूट कि अच्छा नहीं ये तो हम OTT के लिए कर रहे हैं, काम वैसा ही है। अब जितनी भी थिएटर में फिल्म रिलीज़ हो रही हैं वो भी तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी रिलीज़ हो रही है ना, तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। प्लेटफॉर्म्स का फ़र्क है, अलग अलग ऑडियंस है, डिजिटल में तो और भी ऑडियंस तक पहुँचती है, तो अच्छा है। आपने पंजाबी, हरियाणा, हिंदी? नहीं, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, मलयालम। मलयालम, इतने सारे लैंग्वेज में काम कर चुके, तो आपके लिए ऐसा कुछ रहा कि लैंग्वेज बैरियर रहा या फिर कुछ कॉम्प्लिकेटेड रहा? नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन मैंने अच्छी फिल्में की हैं, मलयालम में भी, तमिल में भी, तेलुगु में भी, तो मज़ा ही आता था हर बार जब भी काम करती थी। अब आसान तो कुछ भी नहीं होता, जो भी खूबसूरत अच्छी चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी मुश्किल तो होती हैं, तो वो मुश्किल में भी मज़ा आया। लास्ट मैसेज अपने फैंस को क्या देना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगी कि थैंक यू इतना प्यार देने के लिए। दिल में प्यार रखिए, जानवरों से प्यार कीजिए, लेदर मत पहनिए, और अच्छी अच्छी फिल्में देखिए, अपने दिल दिमाग थोड़े खोल के रखिए, जियो और जीने दो। और लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये करना था कि जैसे कि आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट रोल है, तो आप रोल में क्या है और फिर रियल में वामिका गब्बी क्या है, वो मुझे जानना था। मैं अपनी लाइफ थोड़ी सिंपल रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि कैरेक्टर्स जो भी हम प्ले करते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड ही होते हैं, तो मैं अपने आप को थोड़ा सिंपल रखती हूँ ताकि जो भी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो अपने कैरेक्टर्स के थ्रू ही इमोट कर सकूँ। तो हाँ, कोशिश करती हूँ जितनी सादगी भरी ज़िंदगी जीऊँ उतनी बेहतर। थैंक यू।